नमस्कार दोस्तों, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 से संबंधित रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों, एक रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने लिखी है कि जब मैग्नीशियम की जब वायु वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल सरल तरीके से अपन लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, तो दोस्तों देखते हैं शब्द समीकरण क्या बनेगी। शब्द समीकरण में दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। पहली चीज होती है वो है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो अभिकारक ये पता होना चाहिए शब्द समीकरण लिखने के लिए कि अभिकारक कौन होते हैं और उत्पाद कौन होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद, इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अपन अभिकारक बोलते हैं, और उत्पाद कौन होते हैं जो रासायनिक समीकरण के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार शब्द समीकरण लिखने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि अभिकारक अणु कौन से हैं और उत्पाद कौन से होते हैं। तो दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों, शब्द समीकरण में या इस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसलिए हम शब्द समीकरण में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम और दूसरा क्या है ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जिधर की तरफ उत्पाद बनता है उधर की तरफ हम इस प्रकार से एरो लगाते हैं। और याद रखिएगा, जब अभिकारक अणु दो या दो से अधिक हो तो इनके बीच में हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं। उसी प्रकार यदि उत्पाद भी दो या दो से अधिक बने तो हम लोग उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया थी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको सरल रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार इसको और सरल रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर इनके प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम के सामने अपन लिखेंगे Mg, इसका प्रतीक Mg होता है। ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है इसलिए हम लोग लिखेंगे O2, एक एरो लगाएंगे उत्पाद की तरफ। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है MgO। तो दोस्तों, ये है हमारी रासायनिक समीकरण। इसको ये जो निकल कर के आई है जिसमें हमने इनके प्रतीकों को लिखा है, ये इनके प्रतीक है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रतीक MgO है। तो ये हमारे पास बन जाती है रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों, यहाँ रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि इधर ऑक्सीजन की संख्या दो है और इधर ऑक्सीजन की संख्या एक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको संतुलित कर देंगे इस प्रकार से। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित की जाती है।
आगे की वीडियो में हम लोग सब कुछ सीखेंगे। तो फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे उसके बाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, शब्द समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा होगी कि एक या एक से अधिक अभिकारक अणु मिलकर कोई विभिन्न गुणधर्म वाला उत्पाद बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, इसको अपन दर्शा सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर के कोई उत्पाद बनाते हैं, मान लो इन्होंने प्रोडक्ट पी बनाया, तो ये एक प्रकार की हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर इनका नाम है अभिकारक और इसका नाम होगा उत्पाद। तो दोस्तों, इनके बीच में अपन एक एरो का चिन्ह लगाते हैं, इसका अग्रभाग उत्पाद की तरफ और पश्च भाग हमेशा अभिकारक की तरफ होता है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का मतलब होता है कि आप उसे देख करके कैसे पहचानोगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, पहला पहचान जो है वो है अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। तो दोस्तों, अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक अणु सॉलिड है, वह अपनी अवस्था परिवर्तित करेगा। मान लो बाद में वो जा करके किसी लिक्विड में हो सकता है या फिर वो गैस में भी बदल सकता है। तो अवस्था परिवर्तन जहाँ हो रही होगी, या फिर कोई गैस कोई द्रव रूप में आ रहा होगा या ठोस रूप में बन रहा होगा, इस प्रकार से ये दोनों अपनी अवस्था में परिवर्तन करेंगे। तो जब कोई अभिकारक अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरी पहचान है रंग में परिवर्तन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम कराते हैं और यदि कोई रंग बदल देता है, रासायनिक अभिक्रिया का रंग बदल जाता है, तो वहां पर भी आप समझ जाइएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तीसरी पहचान है गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन। दोस्तों, जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो अचानक से यदि गैस निकलने लग जाए, तो समझ जाना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और नंबर चार है तापमान में परिवर्तन। आप यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को परख नली में कराते हो, तो परख नली अचानक से गर्म हो जाती है या फिर ठंडी हो जाती है, तो आप लोग वहाँ पर देख करके समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों की शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये चार तरीके हैं जिन्हें आप देख करके ये पहचान सकते हो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया हम योग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की हम वीडियो में देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यदि वीडियो को देखते हुए यहाँ तक जरूर पहुँच गए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आगे आप लोग किन टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।